नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र का दौर चल रहा है। ऐसे में लगातार पक्ष एवं विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार खुश हो रहे हैं कि राहुल गांधी के जाने के बाद मेरा मौका आएगा प्रधानमंत्री बनने का। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि अहंकार में ना रहें, वोट किसी पार्टी के पास नहीं होती है, वोट जनता के पास होती है। 14 में भी अहंकार था, 19 में भी अहंकार था और 24 में जनता फिर से अहंकार तोड़ेगी। उसी तरीके से ये सत्याग्रह भी जीत गया। देखिए, नाखून कटा करके शहीद होना अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से सीखे। ये राहुल गांधी किसको लेके सत्याग्रह कर रहे हैं? जो कोर्ट में अहंकार से अपमान भी किया न्यायालय का, और राहुल गांधी से पहले 32 लोगों को इस तरह के केस में उनकी सदस्यता गई है। ये क्यों नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं? और आज दिल्ली के ये जो कह रहे हैं कि मैं कौन जत्था निकाल रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, लग रहा है जैसे देश के अंग्रेज आ गया है, अंग्रेज से तो जाकर के मिलके देश को गाली दे रहे हैं। और दिल्ली में इस सत्याग्रह में, पहले तो सत्याग्रह किस चीज का कर रहे हैं? तो कर रहे हैं पिछड़ों को गाली देने का अधिकार मिले, इसका सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह किसके नेतृत्व में कर रहे हैं? जो दिल्ली में सिखों की हत्या की, उस नरसंहार में जो सबसे बड़ा योगदान रहा था जगदीश टाइटलर का, उसके साथ कर रहे हैं। ये कांग्रेस किसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं? क्या अति पिछड़ों को गाली देने के लिए उनका सहानुभूति लेंगे या सिखों का सहानुभूति लेंगे? ये नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। खुद को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है राहुल गांधी, ट्विटर पे लिखा है उन्होंने कि मैं डिस्क्वालीफाइड सांसद हूं, प्रोफाइल चेंज कर दिया है। कुछ दिन पहले तो इन्होंने खुद को ही कहा था कि मैं अनफॉर्चुनेट है कि मैं सांसद हूँ, और जब अनफॉर्चुनेट अपने को ही कह रहे हैं तो कानून में वहाँ जब दो दो बार माफी मांगने का मौका मिला, इतने बड़े समाज को गाली देंगे, अति पिछड़े समाज को, तो माफी भी नहीं मांगेंगे? और आप इतने बड़े सहनशाह हो गए कि पूरे समाज को पिछड़े को गाली देंगे? आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, पिछड़ों का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? आपको ये अखर रहा है? आपको तो लिखना ही पड़ेगा।